नमस्कार दोस्तों, बोनसाई केसी चैनल की तरफ से सभी चाहने वालों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है और कल हमारे यहाँ भाई दूज का उत्सव मनाया जाता है, तो इस पूरे हफ्ते के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा है आप सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे और अगर फ्री टाइम मिले तो थोड़ा गार्डनिंग में भी वक्त बिताएंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो आइए आज का हम अपना ये वीडियो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये हमारा स्पाइडर प्लांट है, इसका बायोलॉजिकल नेम क्लोरोफाइटम कोलोसम है। देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। सिर्फ आप एक बार लगा दीजिए, पानी डालते रहिए, दैट्स इट। फर्टिलाइज़र दीजिए नहीं दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, देंगे फर्टिलाइज़र तो उसमें से जो है इसके प्रोपोगेशंस के लिए इसके फ्लावरिंग और बेबी प्लांट्स निकलते हैं, वो मैं दिखाऊंगा अभी। और इंडोर प्लांट तो बहुत अच्छा है ही, आउटडोर प्लांट भी अच्छा है। इंडोर इसलिए अच्छा है कि ये ऑक्सीजन बहुत रिलीज़ करता है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड इस टाइप की गैसेस को एब्जॉर्ब करके उसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, इसलिए बहुत ही फेमस हाउस प्लांट्स में से है। तो ये थी जानकारी स्पाइडर प्लांट के बारे में। अब हम आज देखेंगे कि जो मेरे पास स्पाइडर प्लांट है इसकी क्या स्टेटस है। ये 3 ईयर्स ओल्ड प्लांट है एज यूजुअल, और इसकी अभी एकदम वाइल्ड ग्रोथ हो गई है, सब जगह से ग्रो कर गया है। तो फिलहाल इसकी कटिंग, चॉपिंग और जो बेबीज इसके निकल आए हैं उनको भी हम हटा के उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, तो आज हम वही देखेंगे वर्कशॉप में किस तरीके से हम स्पाइडर प्लांट को शेप दे सकते हैं, कैसे उसको खूबसूरत रख सकते हैं और उसको कैसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। चलिए तो वर्कशॉप स्टार्ट करते हैं। पहले ओवरव्यू देख लेते हैं हम पास से, जैसे कि इसमें ये वाली ब्रांच उसकी निकल आई है, ये अनवांटेड है। इसमें से भी इसके बेबीज छोटे छोटे निकल आए हैं, वो भी हम हटा देंगे। ऐसे ही ये कि पीछे की साइड भी है, ये प्लांट के लिप से ड्रूप हो गई है ब्रांच, इसको भी हम हटा देंगे। और बाकी जो इसके ये लंबे लंबे शूट्स के थ्रू ये जो बेबीज निकले हैं इनको हम हटा देंगे। आप अगर इसको देखेंगे तो इसमें दिखाता हूँ मैं, इसमें रूट्स निकल आते हैं, ये देखिए। बस इसको काट के, यहाँ से काट कर इसको बस सॉइल में लगा दीजिए और एक आपका नया स्पाइडर प्लांट तैयार। यही हमारा आज का वर्क है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी क्लीनअप और इसकी प्रूनिंग। तो मैं इसको यहां से हटा दूंगा। हटा दिया है, इसमें देखिए काफ़ी सारी रूट्स हैं, इनको हम लगा देंगे तो ये फिर से निकल आएगा। ठीक है,
और नीचे वाले सारे हम यही इसके हटा देंगे। देखिए भाई डीक्लटर हो गया है। तो मैंने इसके तीन ब्रांचेस में से दो ब्रांचेस हटा दी हैं और काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे बेबी प्लांट्स ये भी हटा दिए। इनको हम इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं, सॉइल में लगा दीजिए, किसी पॉट में डाल के प्रोपोगेट हो जाएंगे। थोड़ा सा क्लीन अप करके फिर से मिलता हूँ। तो क्लीनिंग के बाद देखिए आप ऐसा लग रहा है, मैंने पूरा इसको क्लीन कर दिया है ऑलमोस्ट। ये ब्रांच और इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और इसमें से हमको दो प्लांट मिल गए। इसको हम ऐसे जमीन में लगा देंगे तो ये निकल आएगा। वन एक हमको ये मिला, इसको भी हम जमीन में लगा देंगे तो ऐसे निकल आएगा रूट्स हैं। दो प्लांट्स हो गए, रूट्स इसकी अच्छी सी है पहले से ही, और बस इसको लगा देंगे तो आई थिंक विद इन अ वीक और टू इट विल स्टार्ट इट्स ग्रो। इसके अलावा इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे इसके छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स मिल गए हैं। इन सब में रूट्स है पहले से, इनको भी हम सॉइल में ऐसे करके लगा देंगे एंड इट विल स्टार्ट इट्स ग्रोथ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो टेन प्लांट्स हमको मिल गए हैं। ऑल इन ऑल टोटल ट्वेल्व प्लांट्स मैं कह सकता हूँ कि मुझे मिले हैं एक प्लांट, और वो एक प्लांट भी अभी फुल हेल्दी है। तो आप लोग भी ग्रो करें स्पाइडर प्लांट, और अपने बालकनी को अपने गार्डन को अच्छा बनाएं, ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करें और बिना पैसे खर्च करे बहुत ही इजीली इसको प्रोपोगेट करें। और किसी को गिफ्ट करना है तो गिफ्ट भी कर सकते हैं। शुक्रिया वंस अगेन, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हाँ जी, तो अब हम जो मैंने स्पाइडर प्लांट की कटिंग्स बनाई हैं या जो मैंने उनको उनके बेबीज़ को मेन मदर प्लांट से अलग किया है उनको रिपोर्ट करने का तरीका भी देख लेते हैं। सबसे पहले जो बड़ा वाला प्लांट उसमें से काटा है उसको आप लीजिए सीधे, इसमें होल बनाइए
मैं थोड़ा सा इसको खाली कर लिया है, ये इस प्लांट को लेंगे ऐसे सीधे लगा देंगे। इसमें 50-50 सैंड ग्रिट और हमारी गार्डन सॉइल है, 10% के अराउंड आई थिंक थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड किया हुआ है। तो ये हमारा प्लांट वन रेडी है। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो प्लांट हमको मिला है इसमें रूट्स हैं सारी, इसको हम ऐसे सो कर देंगे। हमारा सेकंड प्लांट रेडी हो गया। एक चीज और दिखा देता हूं आपको, ये जो हमने इसकी बेबी प्लांट्स मिले हैं इसको भी हम लगा सकते हैं। ये इसमें रूट्स हैं पहले से, बस रूट्स को नीचे लगा देंगे। और प्लांट हमारा तैयार, विद इन 2 वीक इट विल स्टार्ट इट्स ओन ग्रोथ। हमारा सक्सेसफुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पाइडर प्लांट रेडी। फॉर दिवाली गिफ्ट, फॉर क्रिसमस गिफ्ट, फॉर न्यू ईयर गिफ्ट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज, यू कैन गिफ्ट इट टू योर लव्ड वंस और यू कैन एनहांस योर गार्डन। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा ज़रूर आपको वीडियो कैसा लगा, और हैप्पी गार्डनिंग।